गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर काइट चैनल्स। तो आज जो है बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज बायो का क्लास है। आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और उसके कुछ जो मेन फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, किसको बोला जाता है? ये एक सेल का ऑर्गेनल है। फर्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। ये सेल का एक ऑर्गेनल है। दूसरा पार्ट क्या है? दीज आर द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम लोग सेल का क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर कह सकते हैं एनर्जी करेंसी भी है ये। ठीक है, जहाँ पे क्या है, एनर्जी जो होता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, जो आपका एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विथ जनरेशन ऑफ एटीपी। ध्यान देंगे कि दिस आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इज एसोसिएटेड विथ जनरेशन ऑफ एटीपी। इससे क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, इस फॉर्म में जैसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितना एनर्जी बनाता है ब्रेकडाउन के बाद, तो वही क्या होता है जाके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए दीज आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा इसका स्ट्रक्चर्स होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस टाइप के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसका कि जो डायमीटर्स होते हैं, डायमीटर्स होता है 0.6 नैनोमीटर टू 2 नैनोमीटर के बीच में ये लाई करता है। उसके बाद क्या है कि इसकी जो लेंथ होती है, 5 to 10 नैनोमीटर के बीच में इसका लेंथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। समझ रहे हैं? ये कैसा है, हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। एक देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन मार्किंग किया हुआ आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाला जो मेम्ब्रेन दिखाया है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों को बीच में जो स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस उसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान दें, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मेनी फोल्ड्स। इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे फोल्ड्स तैयार करते हैं, बनाते हैं। उस फोल्ड्स को एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसका काम क्या, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फोल्डिंग जब ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा कि आपका सिलेंडर डिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो पाता है। दूसरी बात है कि सेल क्या होता है, एक्टिव स्टेट में होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा सेल के अंदर, जो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जितने ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सेल हमारा एक्टिव रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा, कॉमनली क्या है, सबको, सभी को एनर्जी के साथ क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इसका भी काम है, एनर्जी इनके पास अगर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, एक्टिव रहेगा। इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स विच इज डेंस। कहता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ देख रहे हैं आप, इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे आपका क्या है, अंदर में जो आपको एक डेंस फ्लूइड दिख रहा है, ये सब डेंस फ्लूइड चारों तरफ जो दिख रहा है आपको, जो ग्रीन कलर से मार्किंग दिख रहे हैं, डेंस फ्लूइड डॉट डॉट जो मार्किंग है, वो डेंस फ्लूइड है। उसका नाम क्या दिया गया है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ होते हैं प्रेजेंट, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, डीएनए होता है, राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, कुछ एंजाइम्स है। ठीक है, कुछ ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें मौजूद होते हैं। समझ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया मैक्स। कहता है कि प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आपका राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया मैक्स दिस ऑर्गेनल इंडिपेंडेंट। इसके लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन प्रोटीन। तो डीएनए के कारण, जो राइबोसोम के कारण क्या होता है, ये अपना प्रोडक्शन प्रोटीन का, अपना खुद का प्रोडक्शन कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन प्रोटीन एंड डीएनए के कारण क्या होता है, अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो जो डीएनए होते हैं वो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके पास ये भी कैपेसिटी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन में भाग लिया करते हैं।
व्हेन एटीपी कंसेंट्रेशन कहता है, जब एटीपी कंसेंट्रेशन इज लो, जबकि एटीपी का कंसेंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया में लो हो जाता है, तो हम पहले बताते हैं ये इनएक्टिव स्टेट इसको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होता है, ये अपने इनएक्टिव स्टेट में, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टेट बोला जाता है इसको। सारी बात समझिए, अगर मान लें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होके बैंडी फ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, समझ गए। तो ये सब सारी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको जानकारी दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसको क्वालिकर बोलते हैं। 1857 की बातें हैं ये, 1857 डिस्कवर्ड बाई क्वालिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कौन किया गया, क्वालिकर्स ने डिस्कवर किया था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ आपको बताया गया कि जो जनरल आइडिया है, सारे आइडिया आपके सामने रखा गया एनसीईआरटी के सारे लाइंस इसमें कवर्ड है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे लाइंस कवर्ड है, क्लास 11th के बुक आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको पता चल जाएगा कि सारा लाइन इसमें इंक्लूड है। इससे फ़ायदा आपको क्या होने वाली है, एनसीईआरटी तो आपको समझ में क्लियरली आने वाला है, ठीक है। और नीट के जो स्टूडेंट है, नीट के स्टूडेंट है, या फिर कहीं आप जाते हैं, खासकर नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आप बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम कवर करते हो, तो सारा जो होता है बायोलॉजी को खासकर एनसीईआरटी ही पढ़ने का, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, उसी को आप 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, डैट्स एनफ। सारे क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी के लाइन से उठाए पड़ते हैं, आप समझ के पढ़ने की कोशिश करो। तो इतने पॉइंट्स जानने के बाद आप कोई भी बुक उठाओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया से आपका नया मुलाकात होने वाला नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से ऑलरेडी आपको मिला चुके हैं, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आप किसी भी बुक को उठाइए, सारी बात क्लियरली आपको लाइन बाय लाइन समझ में आने वाली है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद फिर कोई अगले सेल ऑर्गेनेल के साथ आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए मेरी थैंक्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।